हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में BA BCom BSc से रिलेटेड डाउट को क्लियर करूंगा। चाहे आप रेगुलर के स्टूडेंट हो, चाहे आप प्राइवेट के स्टूडेंट हो, सभी का डाउट इस वीडियो में आपको क्लियर होगा। जैसे आप फेल हो गए होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, सप्लीमेंट्री आ गए होंगे तो क्या करना पड़ेगा, रीचेकिंग में कैसे कराना है, रिजल्ट कब आएगा रीचेकिंग का, सप्लीमेंट्री का रिजल्ट कब आएगा, आपके कुछ नंबर कम है रीचेकिंग कराओगे, कुछ नंबर बढ़ेंगे तो क्या कुछ नंबर ग्रेस दे दिया जाएगा, इसके ऊपर पूरा डिटेल से बात करेंगे। और साथ ही साथ इस कॉपी में, नोटबुक में आप लोगों के कमेंट को भी लिखा हूँ, उसका रिप्लाई भी इस वीडियो में करूँगा। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, बहुत हेल्पफुल आप सभी के लिए वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक भाई का पहला कमेंट है, उस पर पहले बात कर लेते हैं। हो सकता है यार ये डाउट आप सभी का भी हो। इसमें पहला डाउट ये था कि इंग्लिश में 18 नंबर आया है, रीचेकिंग में डालना चाहता हूँ, दो नंबर अगर बढ़ जाता है तो 5 या 6 नंबर ग्रेस मिलेगा कि नहीं। इस भाई का सिंपल सा सवाल है कि इंग्लिश में इसको 18 नंबर, इंग्लिश में इसको 25 नंबर चाहिए पासिंग होने के लिए, लेकिन इनको नंबर मिला है 18 नंबर, अब 7 नंबर की यहाँ पर कमी है। तो इनका कहना ये है कि रीचेकिंग में मैं डाल दूँगा और मेरा पेपर फिर से चेक होगा और 2-3 नंबर मेरा बढ़ जाएगा, यानी कि 18 से 22 हो गया, तो पास होने के लिए 25 है, तो क्या 3 नंबर ग्रेस मिलेगा? तो ज़रूर से भाई आपको ग्रेस दिया जाएगा, रीचेकिंग में आप डालिए। तो ऐसे ही जितने भी स्टूडेंट होंगे यार, जो ना जिनको ना सप्ली आए हुए होंगे, तो रीचेकिंग में डाल दीजिए। कुछ नंबर के लिए आपको सप्ली दिया गया होगा, 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर के लिए, तो आप रीचेकिंग में डाल दीजिए। रीचेकिंग में आपका पेपर पूरा तरीके से अच्छे से चेक होगा, चेक होने के बाद जैसे आपको 8 नंबर चाहिए, 8 में से 5 नंबर मिल जाएगा, तो 3 नंबर ना लोग अपने से ग्रेस दे देंगे और आपको पास कर दिया जाएगा। ओके, सेकंड डाउट ये है कि भैया आप बताइए कि रीचेकिंग में पास हो जाएंगे तो क्या सप्ली का पेपर दिलाना पड़ेगा? तो देखिए भाई, एकदम ध्यान से सुनिए बारीकी से इस बात को कि आप मान लेते हैं सप्लीमेंट्री आए हुए हैं, तो आप रीचेकिंग का फॉर्म भी भर दीजिए और सप्लीमेंट्री का फॉर्म भी भर दीजिए। कभी कभी क्या होता है, रीचेकिंग और सप्लीमेंट्री का फॉर्म एक साथ आता है, तो दोनों फॉर्म को आपको भर देना है। कभी रीचेकिंग का फॉर्म पहले आता है फिर सप्लीमेंट्री का आता है, तो रीचेकिंग का आएगा, कुछ दिन बाद सप्लीमेंट्री का आता है, उस दिन आप भर लेना। ओके, कभी सप्लीमेंट्री का फॉर्म पहले आता है फिर कुछ दिन बाद रीचेकिंग का आता है, तो जिस भी समय सप्लीमेंट्री का फॉर्म आता है सप्लीमेंट्री का फॉर्म भी भरना, जिस भी समय रीचेकिंग का फॉर्म आता है रीचेकिंग का फॉर्म भी भरना। इससे क्या होगा देखिए, और ना सप्लीमेंट्री एग्जाम होने से पहले रीचेकिंग का रिजल्ट पहले आता है, रीचेकिंग का रिजल्ट में यदि आप पास हो जाते हो तो आपको सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरे रहोगे, तो उसको दिलाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। और रीचेकिंग पेपर में यदि आप रीचेकिंग कराने के बाद आपको अच्छा नंबर नहीं मिलता, पास नहीं हो पाते हो, तो सप्लीमेंट्री का फॉर्म तो पहले से भरे रहोगे, तो सप्लीमेंट्री का एग्जाम वहाँ पर आप दिला लेना। ओके, उम्मीद करता हूँ ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा। अब बहुत लोग का सवाल ये रहता है कि रीचेकिंग का फॉर्म कैसे, कब आएगा, सप्लीमेंट्री का फॉर्म कब आता है? तो बता दो भाई, जैसे आपका रिजल्ट आता है ना, उसे 15 दिन के अंदर रीचेकिंग का फॉर्म आ जाता है, फिर सप्लीमेंट्री का फॉर्म भी कुछ दिन के बाद ही आ जाता है, तो आपको पता नहीं चलता है ना, दिक्कत ये रहता है। तो आप क्या कीजिए, आप अपने यूनिवर्सिटी में चले जाइए भाई, एक दिन समय निकाल कर, चाहे आप कहीं पर भी रहते हो, जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, समय निकाल कर वहाँ पर चले जाइए और वहाँ पर आप कंप्यूटर डिपार्टमेंट में जाइए, जहाँ पर इन सब का वेरिफिकेशन होता है, इन सब से रिलेटेड फॉर्म भराए जाते हैं। वहाँ पर पूछिए कि सर, मैं इसी कॉलेज में पढ़ता हूँ, इस यूनिवर्सिटी में, आप ये बताइए कि रीचेकिंग का फॉर्म कब आएगा, सप्लीमेंट्री का फॉर्म कब आएगा, ये आप बता दीजिए, और एग्ज़ाम कब होगा इसके बारे में भी आप मुझे बता दीजिए। ऐसा आप वहाँ पर जाके पूछिए, और फॉर्म कैसे भरना है, ऑनलाइन भरना है कि यहीं पर ऑफलाइन भरना है, ये आप बात पूछ लीजिए। आप ना इस प्रकार वीडियो को नहीं देखिए कि कब आएगा, इसके वीडियो देख लेता हूँ, इसके वीडियो देख लेता, ऐसे मत करो आप, एकदम यार डेट निकल जाएगा, इससे अच्छा कॉलेज में जाइए, जैसे रिजल्ट आता है 2-3 दिन बाद कॉलेज में जाइए और पूछिए रीचेकिंग का फॉर्म कब आएगा, पेपर कब होगा, यानी कि रिजल्ट कब आएगा, सप्ली का फॉर्म कब भराएगा, पेपर कब होगा, रिजल्ट कब आएगा। वहाँ पर जाओगे तो आपको डेटा देंगे, और एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे तो वो लोग आपको कुछ बोलेंगे कि बेटा इस वेबसाइट में जाना, यहाँ पर चेक करते जाना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ऐसे भी वो लोग बता देंगे। तो ये तो डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। और रीचेकिंग का रिजल्ट पहले आता है, और ना अभी आपका एग्जाम रिजल्ट आया तो अगस्त तक आसपास रीचेकिंग का रिजल्ट आता है, फिर अगस्त के बाद ना सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम होता है आपका। ओके, और पूरा डिटेल यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। आई होप ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा। और
एक भाई का कमेंट है कि डेट चले जाने पर रीचेकिंग का फॉर्म भर सकते हैं क्या। मान लेते हैं यार रीचेकिंग का ना लास्ट डेट आज था और आप आज की डेट में ना रीचेकिंग के लिए फॉर्म नहीं भर पाए, तो अब आपका सवाल यह है कि अब तो डेट चले गया तो कल क्या कल मैं रीचेकिंग फॉर्म भर सकता हूँ। तो देखिए भाई, यदि ऑनलाइन का सिस्टम है रीचेकिंग का तब तो आप कल फॉर्म नहीं भर पाओगे, फिर भी यदि आप फॉर्म भरना चाहते होंगे डेट चले जाने के बाद, ज़्यादा लेट नहीं हुआ होगा फिर भी डेट चले जा चुका है, एक दो दिन के बाद फॉर्म भरना चाहते होंगे, तो आप क्या करना, कॉलेज में आप जाना। अब कॉलेज में जाने के बाद आप प्रिंसिपल से मिलना, किससे मिलना, प्रिंसिपल से मिलना और सर से रिक्वेस्ट करना कि सर रीचेकिंग का फॉर्म आया था लेकिन सर मुझे पता नहीं चल पाया किसी कारणवश, तो प्लीज़ सर मेरा रिक्वेस्ट है आप मुझे फिर से रीचेकिंग का फॉर्म भरने का एक बार मौका दीजिए। ऐसा आप बोलोगे फिर ना प्रिंसिपल सर आपको सजेशन करेंगे कि आप कंप्यूटर डिपार्टमेंट चले जाइए, क्योंकि जो भी फॉर्म क्लोज करता है भाई वो कंप्यूटर डिपार्टमेंट की तरह से ही होता है। कॉलेज का ही तो पोर्टल होता है, यूनिवर्सिटी का ही पोर्टल होता है, यूनिवर्सिटी उसको मेल करेगी, मैसेज करेगी कि एक बार इस बंदे का फॉर्म एक्सेप्ट किया जाए, फिर आपको बता देंगे, फिर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इसके लिए प्रॉपर आपको यूनिवर्सिटी में जाके प्रिंसिपल सर से मिलना पड़ेगा और अपना प्रॉब्लम अच्छे से रखना पड़ेगा कि नमस्ते सर, सर सर मेरा रीचेकिंग का फॉर्म है नहीं भर पाया सर, मैं भरना चाहता हूँ सर, मुझे पता ही नहीं चल पाया सर कब डेट आता है, मैं बहुत दूर दराज गांव में रहता हूँ पता नहीं चल पाया, ऐसा सर से आप रिक्वेस्ट करेंगे, सर कुछ ना कुछ सजेशन करेंगे। ओके, तो ये डाउट आपका भी क्लियर हो गया होगा। और देखता हूँ यार क्या लिखा हूँ कॉपी में, बेसिकली पूरा इसमें आपका डाउट ही लिखा था, कल वीडियो बनाने वाला था लेकिन यार कल टाइम नहीं मिला तो नहीं बना पाया। एक भाई बहुत अच्छा कमेंट किया था यार, अपना दुख दर्द यहाँ पे जताया था, बिलासपुर यूनिवर्सिटी में बीएससी और बीकॉम ऐसा कुछ लिखा, बिलासपुर यूनिवर्सिटी में बीएससी और बीकॉम में हमें 8 नंबर का, बहुत लोग को 8 नंबर का ग्रेस दिया गया और हमको 8 नंबर ग्रेस नहीं दिया गया, तो बिलासपुर यूनिवर्सिटी ऐसा क्यों कर रही है, बीएससी वाले को साथ बहुत सारा नंबर 8 नंबर 10 नंबर ग्रेस दे दिया गया और साथ ये लोग बीकॉम और बीएससी की स्टूडेंट होंगे, बीकॉम के तीन को ना ग्रेस नहीं दिया गया, तो यूनिवर्सिटी यहाँ पर भेदभाव कर रही है उनका कहना है। तो सिंपल सा दिख रहा भाई, कुछ सब्जेक्ट वाले को ज़्यादा नंबर ग्रेस दे रहे हैं और जिस भाई साहब को 5-6 नंबर चाहिए उनको ग्रेस नहीं दिया जा रहा है, सप्लीमेंट्री पढ़ा दिया जा रहा है। तो आपकी बात बहुत सही है और इस बात को लेकर आपको यूनिवर्सिटी पर आंदोलन करना चाहिए। भाई देखो, हक अधिकार हमारा है, यदि कोई बंदे को भाई 18 नंबर सब ग्रेस दे रहा है उसी इंग्लिश सब्जेक्ट में, 10-15 नंबर ग्रेस दिया बोल रहे हैं, और एक बंदा को उसी इंग्लिश सब्जेक्ट में 7 नंबर ग्रेस नहीं दिया गया है, तो ये तो कहीं ना कहीं छात्रों के साथ स्टूडेंट के साथ अन्याय कर रही यूनिवर्सिटी। तो इस पर जाकर आप एक टीम बनाइए NSEO के, बोलिए और वहाँ पर जाके हंगामा कीजिए, बोलिए भाई आपका अधिकार है यार, ऐसा थोड़ी ना होगा भाई, कंपेयर थोड़ी ना, इसको इतना नहीं भाई, सबको बराबर अधिकार है, ग्रेस दे रहे हैं सबको पर्टिकुलर सेम नंबर ग्रेस देना चाहिए सेम सब्जेक्ट में। ओके, समझ पाए इस बात को। तो अब जिस भी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट नहीं आया होगा, अब तो लगभग रिजल्ट आ ही चुका है बहुत, फिर भी यार कुछ कुछ रिजल्ट बाकी होंगे, तो रिजल्ट भी आपके जल्द से जल्द जारी हो जाएंगे, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। और नया सेशन स्टार्ट होगा, तैयारी अब अच्छे से करना और जो भी डाउट होगा अच्छे से यार कमेंट बॉक्स में करना, जो भी वीडियो बनाने बोलोगे मैं वीडियो बनाने के लिए एकदम तैयार हूँ, चाहे आप टाइम टेबल से रिलेटेड हो, एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, आंसर राइटिंग से रिलेटेड हो, तैयारी कैसे करना है, घर बैठे कैसे तैयारी करें, पूरा डिटेल्स आपको बताऊंगा वीडियो बना के, तो आप टेंशन मत लेना। और कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना। और भाई रीचेकिंग सप्लीमेंट्री का फॉर्म समय रहते आप जरूर भर लीजिए, कॉलेज में जाके पूरा इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, बिल्कुल डाउट मत रखिए, बिल्कुल दिक्कत मत रखिए, आप जो भी है अभी तुरंत आप कीजिए, जो भी सप्लीमेंट्री आए हुए तुरंत तैयारी कीजिए, सप्लीमेंट्री आए हो इसका मतलब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका, एक अवसर है, इसको जाने मत दीजिए। ओके, उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और अपने उन सभी क्लासमेट में जरूर वीडियो को शेयर करना। भाई जो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हो ना, अक्सर पता नहीं चलता रीचेकिंग क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्या होता है, बेचारा ध्यान ही नहीं देता, फिर वो कभी पढ़ता ही नहीं है, तो ऐसे स्टूडेंट के पास वीडियो को जरूर शेयर करें।